रेडी। महोदय, हम सभी इस बात के शिकार हो जाते हैं कि अपने दलगत स्वार्थ में आकर गलत काम कर बैठते हैं। कभी भाषा और कभी किसी प्रदेश के स्वार्थ में ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता को कमज़ोर करते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया और आरोप लगाया कि भारत सरकार कुछ प्रदेशों के साथ इंसाफ नहीं करती, भारत सरकार कुछ प्रदेशों के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती है। यही मनोवृत्ति है जिसमें एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश के विरुद्ध भड़काया जाता है, एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा किया जाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है और एक भाषा और दूसरी भाषा वालों के बीच में भड़काव पैदा करके लड़ाई पैदा की जाती है। यही मनोवृत्ति है जिसको हमारे विरोधी दल के बहुत से लोग भड़काकर पैदा करते हैं। उनकी अपनी गलत नीतियों के कारण विशाल दृष्टिकोण नहीं होता है और वे ऐसे प्रश्नों को उभार कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करना चाहूँगा कि जो प्रश्न हमारे देश के सामने हैं और जिन पर हम सबको चिंता हो रही है तथा जिनका हल निकालने की हम कोशिश करते हैं, उन तमाम प्रश्नों के ऊपर हम ठंडे दिल से विचार करें। श्री वाजपेयी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का हल सड़कों पर नहीं होगा। मैं भी उनसे इस बात में सहमत हूँ कि इन प्रश्नों का हल प्रजातांत्रिक ढंग से ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें इनका हल प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर करना होगा। सड़कों के ऊपर इन प्रश्नों का हल नहीं हो सकता है। राजस्थान के अंदर जो अकाल पड़ा हुआ है और लोग मर रहे हैं, उसकी तरफ चिंता नहीं हो रही है। अब राजस्थान में जो संकट है और इस तरह के जो दूसरे प्रश्न हैं, उन पर हम लोग एक साथ बैठकर गंभीरता से विचार करें और उनका हल तलाश करें। खाली इस तरह से आरोप लगाने से और उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। इस देश के अंदर बंगाल में बाढ़ से जनता पीड़ित हो रही थी और उसको अनाज, कपड़ा और जीवन की रोज़मर्रा की आवश्यक सामग्री भेजने की कोशिश हो रही थी। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ लोग आज यह कहते देखे गए हैं कि राष्ट्रीय एकता अंग्रेजी के माध्यम से हो सकती है। कई लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी निकाल दी जाए तो राष्ट्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति रुक जाएगी आदि। इससे बढ़कर भ्रामक विचार और कुछ नहीं हो सकता। मैं अंग्रेजी की उपादेयता को नकार नहीं रहा, किंतु हर जगह उसका वर्चस्व हो यह स्वीकार नहीं हो सकता। किसी देश की भाषा के साथ उस देश की संस्कृति, विचारधारा और मान्यताएं जुड़ी रहती हैं और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भाषा ही सर्व सक्षम होती है। स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रीय गौरव आम जनता को दृष्टि में रखकर किया जाता है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है सैकड़ों भारतीयों की एकता और यह एकता हिंदी के माध्यम से ही लाई जा सकती है, अंग्रेजी से नहीं। अंग्रेजी को बनाए रखने की नीति मानसिक दास्ता की द्योतक है। यदि हिंदी और भारतीय भाषाओं के विरुद्ध अंग्रेजी षड्यंत्र को विफल नहीं किया गया तो जनतंत्र एक माखौल बनकर रह जाएगा। हिंदी और भारतीय भाषाएं तो सहोदराएं हैं, उनमें आपसी कोई विरोध नहीं है। उनका विरोध और संघर्ष तो अंग्रेजी के साथ है। जिस दिन क्षेत्रीय भाषाएं अपने क्षेत्र के प्रशासन, न्याय, शिक्षा आदि में स्थापित हो जाएंगी, उसी दिन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा
के रूप में हिंदी के स्थापित हो जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं अपने इस मूल उद्देश्य को कभी भी धूमिल होने ना दें, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। इस दृष्टि से मैसूर हिंदी प्रचार परिषद का यह कार्यक्रम श्लाघनीय है कि वह हिंदी के साथ कन्नड़तर जिज्ञासुओं के लिए कन्नड़ की प्रारंभिक और उच्च कक्षाएं एवं परीक्षाएं चला रही हैं। अपनी दैनंदिनी में भी हिंदी के साथ साथ कन्नड़ में दिन और तिथियां दी हैं। इस तरह के छोटे किंतु दिन दिन के व्यवहार में राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा साथ साथ गलबहियाँ डालकर चलें, इससे बढ़कर सुखद स्थिति और क्या हो सकती है। और प्रिय स्नातकों, आज का दिन आपका है और कल का दिन भी आपका ही होगा। विगत महीनों और वर्षों में आपने कठिन परिश्रम कर हिंदी रत्न अथवा हिंदी प्रशिक्षण की परीक्षाएं दी हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। आपकी दीक्षा पूरी हो चुकी है, अब आप समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाइए। भारतीय भाषा संस्कृति उनकी रक्षा उनका संवर्धन आपके हाथों सौंप दिया गया है। आप दायित्व का निर्वाह कर सकें, जीवन में सफलता पाएं, यही शुभकामना है। जिन्होंने हिंदी प्रवेश हिंदी उत्तमा की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं वे और आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, यही आशा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की विभिन्न परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अंत में इस गौरवपूर्ण समारोह में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ। उपसभा अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का जो बजट आया है उसमें वित्त मंत्री महोदय ने बहुत से आश्वासन दिए थे कि महंगाई को रोका जाएगा और अब यह आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती ही चली जा रही है। और उसको देखते हुए मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस साल के बजट को देश के लिए काला बजट कहा जा सकता है। श्रीमान, जनता सरकार जब आई थी उस समय मूल सूचकांक 211 था, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर आई तो 16 महीने में वह बढ़कर 233 हो गया, यानी 15% कीमतों में वृद्धि हुई। इसी तरीके से जब जनता पार्टी ने जो देश में गल्ले का स्टॉक छोड़ा था वह 18 लाख टन था, जो कि अब घटकर इस समय 10 लाख टन रह गया है। जनता सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसको रोलिंग प्लान कहा गया था और उसमें 50 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात थी। इस सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें केवल 15 लाख लोगों को ही रोज़गार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस तरह से देखा गया है कि यह सरकार वायदे तो बहुत करती है, लेकिन उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वे निराशाजनक हैं। जनता पार्टी ने सिंचाई के लिए 17 लाख हेक्टेयर ज़मीन की योजना रखी थी, जिसको इस सरकार ने घटाकर 13 लाख कर दिया है। वह भी कहां तक पूरी होगी इसका पता नहीं है। इसी तरह से जनता पार्टी की सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए यह लक्ष्य रखा था कि जिन गांवों में बिजली नहीं है उनमें से 50% गाँव में बिजली दी जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उसे भी 40% काट दिया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में गिरावट आई है, जबकि किसी भी क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। श्रीमान, इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज देश में भ्रष्टाचार में और अकुशलता में जो वृद्धि हुई है वह गंभीर चिंता का विषय है। एक और
देश के किसान अपने गल्ले और कृषि उत्पादन की कीमतें बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि यदि अनाज की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी तो उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी पड़ेगी। यह बात बिल्कुल गलत है। चीनी की कीमतें आप देखिए कि किसानों से गन्ना किस कीमत पर लिया जाता है और चीनी बाज़ार में किस भाव में बिक रही है। सरकार व्यापारियों को महंगे दामों पर चीनी बेचने से रोक नहीं सकती है और बिचौलिए किसानों से कई गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि किसान को अपनी उपज का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है।